बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। विभजन 69। सद्गुरु का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। ज्ञान बिना ना थेती मुक्ति। गुर बिन ज्ञान जी मिले न युक्ति। वेदन जी ही आहे उक्ति। वेदन जी ही आहे उक्ति। ओ सतगुर जी सिखिया हरदम हृदय अंदर धार तू। सतगुर जी शिक्षा हरदम हृदय अंदर धार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। ज्ञान जगत में रोशन आए। अविद्या हूंद छड़े मिटाए। ज्ञान द्वैत जो पढ़ दो लाहे। ज्ञान द्वैत जो पढ़ दो लाहे। ओ सतगुर जो ज्ञान धारे अंदर रखे उजार तू। सतगुर जो ज्ञान धारे अंदर रखे उजार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। ज्ञान मनुष्य जो जीवन आहे। ज्ञान बिना जीव जियरो नाहे। ज्ञान बिना को सुख ना पाए। ज्ञान बिना को सुख ना पाए। सतगुर जो शब्द सुमरे जीय खे जियार तू। सतगुर जो शब्द सुमरे जीय खे जियार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। कहे टेऊं सतगुर जे द्वारे ब्रह्मा तुम जो ज्ञान विचारे। दुनिया जा सब ज्ञान विसारे। दुनिया जा सब ज्ञान विसारे। ब्रह्म ज्ञानी बणी तरी जग तार तू। ब्रह्म ज्ञानी बणी तरी जग तार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भरम टार तू। राग भैरवी भजन 69। सतगुर का ज्ञान वठी संसो भ्रम टार तू। गुरु महाराज जी जिज्ञासु को उपदेश दे रहे हैं कि गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त करके मन के संशय और भ्रमों को निवृत्त करो। अनंत प्रकार के संशय मन में उठते हैं। अपने अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व, जगत के अस्तित्व के प्रति अनंत जिज्ञासाएं मन में उठती हैं। तो गुरुदेव अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन शंकाओं को निवृत्त करते हैं। ज्ञान बिना ना थेती मुक्ति। गुर बिन ज्ञान जी मिले न युक्ति।
मोक्ष मुक्ति बिना ज्ञान प्राप्ति के संभव नहीं और ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव के बिना संभव नहीं। वेदन जी ही आहे उक्ति, ये वेद भगवान का कथन है, उक्ति है रते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और गुरु के बिना गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितनी भी ऊंची पदवी प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुरुदेव के ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं। सतगुरु जी शिक्षा हरदम हृदय अंदर धार दो। गुरुदेव की सुंदर शिक्षाएं, शिक्षा प्रद उपदेश, उनको अपने हृदय में धारण करो। ज्ञान जगत में रोशन आहे, अविद्या ऊंदह छदे मिटाए। ज्ञान का प्रकाश अविद्या के, अज्ञान के अंधकार को नाश कर देता है। जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर अंधकार का नाम निशान नहीं रहता, उसी तरह ज्ञान का हृदय में उदय होने पर अंतर का अंधकार निवृत्त हो जाता है। ज्ञान द्वेत जो पर्दो लाहे, मन में जो द्वेत की भावना है उस द्वेत को ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है कि दो नहीं वास्तव में एक है, एक से अनेक हुआ तो भी सबके अंदर छिपा हुआ वो एक है, तो द्वेत की बुद्धि समाप्त हो जाएगी। सतगुरु जेव ज्ञान धारे अंदर रखे उजार को, ज्ञान को प्राप्त करके अपने अंतर में प्रकाश करो। उस ज्ञान के प्रकाश में सब बातें सत्य सत्य रूप में तुम्हें उनकी जानकारी प्राप्त होगी। ज्ञान मनुष्य जो जीवन आहे, ज्ञान बिना जीव जियरो नाहे। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं वो मृतक के समान है। जीवित होते भी अज्ञान के अंधकार में जिसका जीवन व्यतीत होता है, अपने कर्तव्य का जिसको ज्ञान नहीं, वो असत मार्ग में चल के पाप कर्म कमा के अनंत दुखों को प्राप्त करता है, तो वो मृतक के समान है। ज्ञान बिना को सुख ना पाए, सतगुरु जो शब्द सुमरे जी अखे जिया रतो। ज्ञान के द्वारा ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी और गुरुदेव के नाम का सुमरण करने से ही हृदय के अंदर शांति, उमंग और उत्साह उत्पन्न होगा। कहे टेऊं सतगुरु जे द्वारे ब्रह्मा तमजो ज्ञान विचारे। गुरुदेव के चरण शरण में जाकर ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर जगत जीव सब बातों का ज्ञान प्राप्त करो। दुनिया जा सब ज्ञान विसारे, ब्रह्म ज्ञानी बनी तरी जग उतार दो। संसार की सब बातों को भूल करके उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी बनो, आप भी संसार सागर से पार हो जाओ और दूसरों को भी पार करो। वो शक्ति भी प्राप्त ज्ञान से होगी, स्वयं पार तरने की शक्ति, उसके बाद दूसरों का भी कल्याण और उपकार करने की शक्ति। तो गुरु महाराज जी इस भजन में ज्ञान की प्रधानता पर संकेत दे रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं कि गुरु के पावन चरणों में जाकर ज्ञान की प्राप्ति करो। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भावजी रसवा रूहानी,
वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर
वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करे। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।